अक्सर पारंपरिक कपड़ों में दिखने वाले राजनाथ सिंह इस बार अलग ही अंदाज में दिखे। बेंगलुरु में उनका ये अंदाज जिसने भी देखा वो एक पल के लिए ठहर गया। दरअसल वो किसी नेता की तरह नहीं बल्कि जी सूट पहनकर एक पायलट की तरह रनवे तक पहुंचे और देश में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस में सवार हुए। तेजस के मुख्य पायलट एन तिवारी ने फाइनल चेक्स किए और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विमान रनवे की तरफ रवाना हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग आधे घंटे तक तेजस में उड़ान भरी। हवा में विमान की काबिलियत को परखा और मनुवर भी देखे और इस उड़ान के साथ राजनाथ सिंह देश के ऐसे पहले रक्षा मंत्री बन गए जिन्होंने न सिर्फ तेजस विमान में उड़ान भरी बल्कि उसे उड़ाया भी। तेजस लड़ाकू विमान को स्वदेशी तकनीक से देश में ही बनाया गया है। इससे रक्षा क्षेत्र में दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ा है और अब तैयारी तेजस को एक्सपोर्ट करने की है। तेजस में बैठने के बाद मनोबल ऊंचा है। भारत के पास वो काबिलियत है कि हम सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न सिर्फ लड़ाकू विमान बल्कि आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नई इबारत जल्द लिखने वाला है। अमेरिका में बने चिनूक और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में पहले ही शामिल हो चुके हैं और अब देश में ही बना लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर यानी LCH बहुत जल्द अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला है। खास बात यह है कि भारत ने खुद का अटैक हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है। LCH फ्रंट लाइन का युद्धक हेलीकॉप्टर है जो कई खूबियों से लैस है। साथ ही चीन और पाकिस्तान से लगी भारत की सरहदों की निगाहबानी के लिए भी कारगर साबित होगा। LCH अटैक हेलीकॉप्टर में फ्रांस से खास तौर से ली गई मिस्ट्रल एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को भी इसमें लगाया जा सकता है। इसमें 70 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हुए हैं जो दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। दुश्मन की मिसाइल या फिर लेजर गाइडेड रॉकेट से बचाने के लिए भी LCH में आधुनिक उपकरण लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।